सो फाइनली फाइटर का ट्रेलर आ चुका है और मैं आपको बता दूं कि मुझे ये ट्रेलर कोई खास पसंद नहीं आया। और ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं टॉप गन और टॉप गन मैवरिक का फ़ैन हूँ, रीज़न कुछ अलग ही हैं। एंड अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो टॉप गन और टॉप गन मैवरिक से फाइटर को कंपेयर करना लाजमी नहीं है, क्योंकि दोनों मूवीज़ और फाइटर मूवी इन सब में काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि फाइटर 250 करोड़ के बजट पर बनी है, एंड वहीं दूसरी तरफ इफ़ आई टॉक अबाउट टॉप गन मैवरिक तो वो अराउंड 170 मिलियन के बजट पर बनी थी, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इंडियन रुपीस में कहूँ तो 15,000 करोड़। एंड मुझे ये पसंद नहीं आया इसकी ओवर ड्रामेटिक डायलॉग्स की वजह से, एंड ट्रेलर कट भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बस इतना कह सकता हूँ कि ट्रेलर का लास्ट पार्ट अच्छा है, यानी बढ़िया है। एंड अभी इतना जज करना भी गलत होगा क्योंकि ये सिद्धार्थ आनंद की लगभग 7 ईयर्स से ड्रीम थी कि वो इस मूवी को बनाए, तो होप तो बहुत ज़्यादा है मुझे। एंड अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक की तो मूवी में म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा गया है, एंड जितने भी सॉन्ग्स अभी रिलीज़ हुए हैं मुझे तो वो काफ़ी पसंद आए। सिनेमा प्रेजेंटेशन भी काफ़ी शानदार है, तो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि पुलवामा अटैक की स्टोरी को कैसे हमें प्रेजेंट किया जाएगा, या जो भी इंसिडेंट्स बताए गए हैं जो कि एयरफोर्स को इंस्पायर करते हैं वार के लिए, ये सारी चीज़ें जब मूवी में दिखाई जाएंगी तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। एज ऑफ नाउ ये हमारा फर्स्ट ओपिनियन है रिगार्डिंग ट्रेलर, तो मुझे तो ओवरऑल जो लगा वो मैंने आपको शेयर किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस जब मूवी रिलीज होगी तो हम आगे भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब बेसिक सिनेफाइल पर्सन।